हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11:11 में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक चैनलिंग, जैसे एक चैनल मैसेज जो फेमिनिन के लिए स्पेशली मुझे चैनल कराया है डिवाइन की तरफ से, तो उसके बारे में आपके साथ बात करूँगी। शेयर करना चाहती हूँ तो हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट हो जाए, राइट। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी मुझे ये आ रही है, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ फेमिनाइन की, कि बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत ही सारे। कुछ भी कर रही है, और ये जो फेमिनाइन है ये हर तरह के स्टेज वाली हो सकती है, चाहे न्यू, चाहे मिडल, या बहुत ज़्यादा बैलेंस भी। तो एक तरह का एक डाउट की एनर्जी वो फील कर रही है कहीं ना कहीं, एक फियर, एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिल में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि कुछ भी कर रही है तो पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं, ये मेरी जर्नी के लिए सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह के सवाल। ठीक है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी इल्यूजन की एनर्जी अभी भी है। ठीक है, तो बहुत सारे फेमिनाइन अपनी जर्नी को लेकर, अपने ट्विन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, या अपने इनर वर्क को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, डाउट की एनर्जी में है। अगर कुछ दिख भी रहा है तो आँखों से देखा गया, मैं इसको सच मानूँ या झूठ मानूँ, इस तरह से वो देख रही है चीज़ों को। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि ये जो समय है, ये समय थोड़ा सा एक आपके दिमाग में, पता है, नेगेटिव थॉट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, हाँ या ना, एक नेगेटिव एनर्जी भी आपके सराउंड है इस टाइम। लेकिन आप इसको रोक सकते हैं एक ही तरीके से, जो है हमारा इनर वर्क। इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर डीप जाना है। आने वाली हमारी महाशिवरात्रि है, इस समय की जो वाइब्रेशन है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी भी हमें रोकने की कोशिश करेंगी, ताकि हम इस एनर्जी का यूज़ ना कर सके। तो आपको सबसे ज़रूरी ये है कि प्रोटेक्शन लेके रखे और अपने ऑरा को लॉक रखे और अपने अंदर डीप जाए। एक भी दिन आप मेडिटेशन स्किप नहीं करेंगे, राइट, जो भी आप करते हैं। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में भी हैं। अब दो तरह की एनर्जी है, मैं आपको बताऊँगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो फेमिनाइन की एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस में है, कहीं ना कहीं एक न्यू पाथ को वो फील कर रही है, एक न्यू एनर्जी को, एक न्यू रास्ता उन्हें मिल चुका है अपने लाइफ में, अपनी जर्नी में। अपनी जर्नी में जैसे वो पहले इस कनेक्शन को फील करती थी, समझती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फेमिनाइन और ज़्यादा डीप जाना चाहती है या जा चुकी है अपने ट्विन कनेक्शन में। ठीक है, किसी तरह का कोई ऑब्सेशन नहीं, कोई नीडीनेस नहीं, बहुत बैलेंस है ये जो फेमिनाइन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बीच बीच में, जैसे मैंने बोला है कि डाउट आ सकता है, इल्यूजन हो सकते हैं, एक तरह से उनकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है असेंशन की, राइट। अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्शन उन्हें फील हो रहा है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अब बस बहुत हो गया, मतलब बहुत सह लिया, अब मैं मेरे यूनिवर्स की हूँ, मेरे डिवाइन की हूँ, मेरी मदर गाय के लिए मुझे काम करना है। मतलब अब इस टाइम में उनकी एनर्जी ऐसी है कि सिर्फ मैं और मेरे यूनिवर्स। इस वक्त बहुत सारे फेमिनाइन कनेक्टेड है अपने इनर पावर से, या फिर कनेक्टेड हो रही है अपने अंदर के फेमिनाइन, अपने अंदर शक्ति से। ठीक है, एक न्यू डोर खुल चुका है फेमिनाइन के लिए, जो कि है पावर का, चूज़ करने का, अपने सेल्फ लव को, अपने ईश्वर को। ठीक है, कार्मिक रिलीज करने का, ठीक है, और नेगेटिव थॉट को भी रिलीज़ करने का। बेशक इस टाइम नेगेटिव एनर्जी भी है, कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है, लेकिन डी अब धीरे धीरे सब कुछ छोड़ रही है। उसे समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनके लिए किस तरह की एनर्जी सर्व करती है। ठीक है, तो मतलब जब उनके इंट्यूशन बढ़ जाते हैं तो हाँ, इंट्यूशन हमें कंप्लीट गाइड करने लगते हैं। अगर हमारा ट्रस्ट उन पे है तो आपको, आपके इंट्यूशन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। बेशक ये समय जो है वो थोड़ा सा टफ है, एक फियर का भी है, लेकिन धीरे धीरे सब फियर कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे फेमिनाइन ने तो फियर को मतलब ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एक बैलेंस वाले फेमिनाइन की एनर्जी है, तो इस वक्त अपने अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्शन को फील कर रही है, अपने ही अंदर अपने डीएम को भी फील करने की कोशिश कर रही है,
और डिवाइन से तो मर्जिंग मतलब बहुत ज़्यादा फील कर रही है कि कुछ नया, कुछ मेरे लाइफ में कुछ नया पाथ खुल चुका है या न्यू डोर खुल चुका है, न्यू एनर्जी को भी वो फील कर रही है। इंट्यूशन भी बढ़ चुके हैं, बेशक स्ट्रगल है जर्नी में, हमेशा रहेगा, ट्रिगर भी रहेंगे, लेकिन सक्सेस हमें ज़रूर मिलती है क्योंकि हमारे साथ यूनिवर्स का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमेशा रहती है। तो कुछ फेमिनाइन जो है वो नेगेटिव हो रही है, चीज़ों को अभी भी बाहर ही ढूंढ रही है, अपने तरीके से हिसाब से होल्ड करने की कोशिश कर रही है। हम जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले हमें अपने अंदर देखना है, बल्कि वो बाहर ही ज़्यादा 3D में देख रही है, चाहे पर्सन को या चाहे किसी भी चीज़ को, मतलब लॉजिकल ज़्यादा हो रही है। बहुत सी फेमिनाइन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में टैपन हो चुकी है और ये चेंज वो खुद भी फील कर रही होंगी। तो देखिए, अपने एनर्जी पे हमेशा बैलेंस रखने के लिए चक्रा मेडिटेशन आपको बेहद ज़रूरी है। इनर वर्क अच्छे से करिए और अपने चक्रास को हमेशा बैलेंस में, क्योंकि चक्रा मेडिटेशन जो होता है ये एनर्जी के जैसा होता है, पता है, मतलब वो हर रोज़ हम करते हैं तो हमारी एनर्जी मतलब जो होता है ना चार्जिंग, सॉरी चार्जिंग की तरह होता है कि हमारी चार्जिंग हो जाती है, तो उससे डेली करना ना भूलें, ठीक है। तो कुछ कुछ फेमिनिन का ईगो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त सरफेस हो सकता है, ये भी मुझे एक चैनल मैसेज मिल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन भी डीएम से सब कुछ नए से शुरू करना चाहती है, वो भी चाहती है कि अब न्यू बिगनिंग हो, ये मुझे अब इस लूप से निकलना है जो कि एक पेनफुल साइकिल है, ऑन एंड ऑफ है। वो चाहती है कि सब कुछ नए से नया हो और इसीलिए वो चाहती है कि अब मैं पूरी अपने फोकस से अपना काम करूँगी और अपनी जर्नी को आगे लेके जाऊँगी। एक खोने का डर भी फेमिनाइन के अंदर है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, जो भी है, जिस भी तरह से प्रॉब्लम थोड़े बहुत आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसी तरह का इनर वर्क करते हैं तो हमारे अंदर के जो डीप कोर लेवल के इशू है वो धीरे धीरे सरफेस आने लगते हैं। तो अगर आ रहे हैं तो रिलीज़ कर देना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं, ये एक बैलेंस फेमिनाइन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपके अगर डीएम आपसे बात करेंगे कि तो बहुत अच्छे तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, भले ही बहुत रोमांटिक ना हो, लेकिन एक होता है ना स्मूथ लेवल पे होगा, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइन के थ्रोट चक्रा में पेन हो सकता है, क्योंकि थ्रोट चक्रा आपका क्लींज हो रहा है फेमिनाइन। बहुत सारी फेमिनाइन अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, जैसे उनके लिए बस डिवाइन मस्कुलिन को पाना या यूनियन को पाना या उनसे बातें करना, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एनर्जी इस तरह से है तो आपको बिल्कुल भी ये इस एनर्जी में नहीं रहना है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जर्नी सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन को पाने की नहीं है, ये बहुत बड़ी जर्नी है आपके लिए, बहुत बड़ा एक सोल मिशन रखा हुआ है डिवाइन ने, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप उस एनर्जी में आके उस मिशन को पाले और उस पर काम करें, ताकि आप अपनी एनर्जी से मदर गाया को सर्व कर सके, ठीक है। तो इस वक्त कलेक्टिव में एक डाउट की एनर्जी है, तो आप किसी से काउंसलिंग भी ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसी से भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं और अपनी एनर्जी को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि आपको हीलिंग मिले और आपके डाउट क्लियर हो, राइट। इस वक्त देखिए सब आपके पास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त एक इल्यूजन में भी आ सकती है, इल्यूजन की एनर्जी भी आप फील कर सकती है। डीएम को खोने का डर या डीएम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो कब आएंगे, कभी कभी वो खुद ही बार बार उनके हो सकता है डीपी देख रही हो या फिर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एनर्जी मुझे आ रही है फेमिनाइन की। तो पेशेंस आपको रखना होगा, जिद आपको छोड़नी होगी, ईगो से आपको बाहर निकलना होगा और अपने अंदर आपको डीप लेवल पर जाना होगा, तभी चीज़ें होंगी। चीज़ों को होल्ड ना करे, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे, एनर्जी को बैलेंस में रखे, ठीक है। और अगर आपके साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने एंजल से आंसर मांगिए, वो देते हैं, ठीक है। और इस टाइम आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमारी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो अपना माइंड और बिल्कुल पॉजिटिव रखें, कुछ भी डाउट ना रखें, सब कुछ जो होगा आपके लिए ही होगा। और मैं नंबर की अगर बात करूँ तो नंबर है 333 888 111 10 10 22 22 222, सॉरी, और 112211 33 114 4 1155, इस तरह के नंबर भी हमारे बहुत सारे फेमिनाइन देख रहे हैं। तो ये दोनों तरह के नंबर दोनों तरह की फेमिनाइन देख सकती है। तो ये मुझे चैनल मैसेज आपको देना था, जो मुझे चैनलिंग हुई थी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप पता नहीं कि किन लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू।